हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, जहां पर को मैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के मैच के बारे में बात करने वाला हूं। इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, बिकॉज यार एक तरफा ही था सही में। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अगर यहां पर कुछ जीत जाती तो भाई फिर राजस्थान रॉयल्स वालों के लिए कोई शब्द ही नहीं होते, बिकॉज सारा मैच उनके ग्रिप में था यार। बॉलिंग देख लो राजस्थान की, बहुत ज्यादा कमाल की हुई थी। बैटिंग में भी यार सारे बंदों का यहां पर को कंट्रीब्यूशन देखने को मिला था। तो मेरे ख्याल से कल की जो बेहतर टीम थी वो तो यार राजस्थान रॉयल्स थी, और डेफिनेटली वो लोग जीतना डिजर्व भी करते थे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ऑन द अदर हैंड अभी तक मतलब यार बहुत ज्यादा कमाल की मतलब इन लोगों ने क्रिकेट खेली थी। CSK को हराया था कुछ ज्यादा ही मतलब यार हवा में उड़ गए थे, तो यार किसी ना किसी को इनको तो उठा के नीचे पटकना ही था, और राजस्थान रॉयल्स ने फाइनली वो काम कर दिया है। तो चलो इस मैच का रिव्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, नए आए हो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो यार लाइक करने में कंजूसी मत करना मेरे भाई। देखो RCB वालों ने कल पहले खेला था और इन लोगों ने 172 पे 8 बनाए। सबसे पहले मैं आपको पिच की कंडीशन बता देता हूं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्रास थी तो जो भी मतलब यार पहले बॉलिंग कर रहा होता उसे डेफिनेटली फायदा होने वाला था। तो राजस्थान रॉयल्स वालों ने पहले बॉलिंग की, उन लोगों को थोड़ा फायदा भी था, एडवांटेज भी था, ड्यू भी आने वाली थी, तो थोड़ी चीजें जो थी ना वो राजस्थान रॉयल्स के फेवर में थी। बट ये सारी चीजें एक्सक्यूज होती है बताया, बिकॉज ये ऐसा मुकाबला था जहां पर को आपको जीत हासिल करनी थी। अगर आपको ट्रॉफी जीतनी है तो यार ये ड्यू स्पिन हो रही है, बॉल स्विंग हो रही है, बॉल, ये सारी मुझे एक्सक्यूज लगते हैं बताया। तो मैं यहां पर को यार इन चीजों का एक्सक्यूज नहीं देने वाला हूं, मैं इन सारी चीजों को मतलब यार हटा देता हूं। सिंपल बात करते हैं क्रिकेट की, किसने कैसा खेल लगाया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वालों ने पहले खेला था और सही बताऊं डिसअपॉइंट किया यार इन लोगों ने बैटिंग में। देखो पावर प्ले में मैं आपसे क्या बोलता हूं भाई, रन चाहिए पावर प्ले में, 60-70 रन बनाओ तभी जाके यार तुम्हारी जो टीम है वो 200 का ख्वाब देख सकती है। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को कल 200 तो चाहिए ही थे, ये ऐसा ग्राउंड है जहां पर को 200 बनते हैं। ड्यू आने वाली थी आपको पता है, तो 210-220 के आसपास आपको जाना चाहिए था। 220 तो छोड़ो, ये लोग तो यार 200 भी नहीं बना पाए। कोहली और डुप्लेसिस यार पावर प्ले में बैटिंग करने आए और सही बताऊं दोनों ने डिसअपॉइंट किया। पहले फाफड़ा मतलब यार फाफ डुप्लेसिस बंदा एक दो मैचेस में चल जा रहा था, लोगों को लग रहा था बहुत कमाल का प्लेयर है, लेकिन शुरुआत से ही मैं आप लोगों से एक चीज कहते हुए आ रहा था, फाफ डुप्लेसिस भाई मतलब यार नहीं होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली था तो यार सपोर्ट ही कर सकते थे, 14 बॉलों में 70 रन बनाए, ये बंदा आउट हो गया। ठीक है, अब विराट कोहली पे पूरी टीम डिपेंडेंट है, ये बंदा रन बनाएगा आरसीबी की टीम आपको लगेगा भाई इनको तो कोई हरा ही नहीं सकता करके, ये बंदा रन नहीं बनाएगा आरसीबी बस यार वो ओल्ड क्लासिक आरसीबी टाइप की लगेगी। तो कल जो मतलब यार विराट कोहली है 24 बॉलों में 33 रन बना के आउट हो गए, जहां पर को स्ट्राइक रेट से 137 का था। तो भाई मतलब यार कोहली भैया ने भी कल रन बनाए नहीं, ऐसा मुकाबला था जहां पर को मतलब यार रन निकलने चाहिए थे, अनफॉर्चुनेटली कोहली के बल्ले से भी वो रन नहीं निकले, तो भाई इनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी पूरी तरह से फेल हो गई। ठीक है, अब ग्रीन भैया बैटिंग करने आए, थोड़े रन इन लोगों ने बनाए, लेकिन इनकी जो पोजीशन थी ना यार मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये गलत थी, मुझे लगा कि यार रजत पाटीदार को नंबर 3 पे भेजना चाहिए था। बट मतलब यार ग्रीन आया 21 बॉलों में 27 बनाए, सेम इसकी भी कहानी मतलब यार टॉप 2 बल्लेबाजों की तरह रही, ये बंदा भी थोड़े से रन बनाए उसके बाद आउट हो गया था। रजत पाटीदार ने आके थोड़ा सा मतलब यार रन रेट को आगे बढ़ाने की कोशिश की, 22 बॉलों में 34 रन बनाए, लेकिन फिर उसके बाद ये बंदा भी आउट हो गया। फिर मैक्सवेल आया, सबसे इररिस्पॉन्सिबल बंदा यार भाई, पार्थिव पटेल सही कह रहा था यार इस बंदे के बारे में, बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड है भाई, कितना गंदा शॉट मारा यार, ऐसा टाइम जहां पर को आपके विकेट गिर गए, आओ थोड़ी देर मतलब यार क्रीज में टाइम तो बिताओ, ड्यू आने वाली है, युजवेंद्र चहल के ओवर बचे हैं भाई, उसके ओवर में मार लेते भाई, नहीं आ रहा है पहली बॉल में स्टार्ट हो गया है, बहुत ही गंदा शॉट, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल शॉट यार सही में। मैक्सवेल ने कल मुझे डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रखा है, तो मैक्सवेल ने बहुत ज्यादा बेकार खेला। लोमरोर और कार्तिक दोनों ने थोड़े थोड़े रन बनाने की कोशिश की, लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली ये लोग भी ज्यादा नहीं बना सके। DK थला का आखिरी मैच था आप लोगों को पता ही है, तो वो बंदा मतलब यार 13 बॉलों में 11 रन बना के आउट हो गया। फिर लास्ट में एक छक्का मारा था स्वप्निल सिंह ने, जिसकी वजह से आरसीबी का जो स्कोर है 172 के आसपास हो गया था। लेकिन ये 172 का स्कोर ही क्यों बना, इससे ज्यादा क्यों नहीं बना, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की जो बॉलिंग है वो बहुत ज्यादा कमाल की हुई थी। कहां पर को बॉलिंग सबसे ज्यादा कमाल की हुई थी, कमाल की बॉलिंग हुई थी पावर प्ले में, जहां पर को जो ट्रेंड बॉल था भाई 3 ओवर में शायद मेरे ख्याल से 3-4 रन दिए थे इस बंदे ने, क्या अमेजिंग बॉलिंग कराई यार। मेरे ख्याल से जो पहला डेंट था ना वो ट्रेंड बॉल ने मतलब यार जड़ दिया था बताए, तो ट्रेंड बॉल की जो पावर प्ले की बॉलिंग थी उसने मतलब यार RR के लिए समा बांध दिया था, जिसके बाद RR के जो बॉलर है वो सिर्फ कैपिटलाइज करने में लगे हुए थे। बोल्ड ने 4 ओवर में 16 रन दिए, 1 विकेट ये बंदा लेके गया। संदीप शर्मा 4 ओवर में थोड़ा सा पिट गया, 48 रन और 1 विकेट ये बंदा भी लेके गया। सेम गोज फॉर युजवेंद्र चहल, 4 ओवर में 43 रन और 1 विकेट ये भी लेके गया। लेकिन अश्विन यार किस टाइम पे को इस बंदे ने अपने आपको रिवील किया, ऐसे मतलब यार डू और डाई मैच में 4 ओवर में 19 रन 2 विकेट, क्या टाइमिंग थी यार ऐश अन्ना की सही में यार, बहुत ज्यादा कमाल की बॉलिंग कराई और डेफिनेटली मैन ऑफ द मैच जीतना भी डिजर्व करते थे। और आवेश खान तो यार डेथ में भाई आपको पता ही है, मतलब यार बहुत ही ज्यादा बीस्ट बना हुआ है आजकल, तो 3 विकेट ये बंदा भी लेके गया था। तो RR की जो बॉलिंग थी बहुत ज्यादा कमाल की हुई थी, ये जो स्कोर है 172 का देख के ही लग रहा था आराम से चेज हो जाना चाहिए था, लेकिन इतना आसान नहीं था यार, क्योंकि ये RR की बैटिंग है। RR की बैटिंग में आपको पता है बहुत सारे लूप होल है, इनके जो मतलब यार टॉप ऑर्डर है अगर वो नहीं चला तो नीचे ऐसे बल्लेबाज हैं जो काइंड ऑफ मतलब यार थोड़ा घबरा कर देते हैं। लेकिन कल क्या ऐसा हुआ, कल ऐसा नहीं हुआ भाई, और वो क्यों नहीं हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। राजस्थान रॉयल्स वालों ने ओके बैटिंग की थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि यार RCB के पास चांस नहीं था भाई, कितने ज्यादा चांसेस हुए, कैच कितने ज्यादा छोड़े इन लोगों ने, बहुत गंदा वाला मतलब यार सिनारियो हुआ, बहुत गंदी मिसफील्डिंग की। तो भाई फील्डिंग तो RCB की कल बहुत ही ज्यादा बेकार रही। अब तुम इतना इंपॉर्टेंट मैच
मैच खेल लो, तुम एक बात बताओ, अगर फील्डिंग अच्छी नहीं होगी तो तुम कैसे जीतोगे भाई? तो आरसीबी की तरफ से कल कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बताए इनके जो बॉलर्स हैं वो कभी भी स्टेप अप नहीं करने वाले हैं। सिराज, फर्ग्यूसन जो भी हैं ये बॉलर भाई बहुत रन पे डालते हैं, भर भर के रन पे डालते हैं लोग, ये बात हमें पता थी। आज की मैच में मैं होप कर रहा था कि यार इनके जो बॉलर्स हैं फाइनली स्टेप अप करेंगे करके, लेकिन भाई मैं किन से उम्मीद कर रहा हूँ भाई, ये लोग कभी स्टेप अप नहीं करने वाले। तो आरसीबी के जो बॉलर्स हैं डेफिनेटली इन लोगों ने मुझे बहुत गंदा वाला डिसअपॉइंट किया है। यशस्वी जायसवाल ने बनाए 30 balls में 45 runs, बंदा मतलब यार कल फिर भी थोड़ा ठीक खेला था, जीवन दान मिला था उसका, थोड़ा फायदा उठाया इस बंदे ने। कैडमोर भैया भाई इस बंदे ने पता नहीं यार पीएसएल में इतने रन कैसे बना दिए भाई, यहां पर को तो ये बंदा बहुत गंदी इनिंग्स खेल के जा रहा है। 15 balls में 20 runs इस बंदे ने बनाए। संजू सैमसन मतलब यार कल थोड़ा उतावलापना दिखा दिया था, आगे बढ़ के मारने की कोशिश की और यार करण शर्मा का ये बंदा शिकार हो गया। 13 balls में 17 इस बंदे ने भी बनाए, लेकिन इनकी तरफ से ना सबने कंट्रीब्यूशन दिया था, लाइक रियान पराग हो गया भाई, मतलब यार ये बंदा बहुत मिच्योर टाइप का बैट्समैन लग रहा है, बताए मतलब जहां पर को इनका रन रेट नीचे आ रहा था रियान पराग स्टेप अप किया भाई, छक्के मारे, 2 छक्के मारे थे मिडिल ओवर में, जहां पर को इन लोगों को रन रेट बढ़ाना था तो रियान पराग ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। और रही सही जो कसर है वो मतलब यार हिट माया यार बेटे, ये बंदा हर बॉल में बल्ला घुमाने में लगा हुआ था, मैं सोच रहा था हर बॉल में छक्के चौके मारेगा करके, बहुत ही कमाल का यार हिटमायर ने बहुत कमाल का फिनिश किया यार आखिरी में, 14 balls में 26 runs बनाए। डेफिनेटली राजस्थान रॉयल्स के लिए जो बंदा है ना भाई बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। रोमन पावल ने आखिरी में फर्ग्यूसन को आपको पता ही है कितना गंदा वाला बेला, आखिरी ओवर में भी मुझे लग रहा था क्या पता मतलब यार कुछ यहां पर को चमत्कार हो जाए करके, लेकिन रोमन पावल ने कहा कोई चमत्कार नहीं होता भाई, तुम लोग घर जाओ, ऐसा ऐसा काशी दे मतलब यार रोमन पावल ने। तो बहुत बढ़िया बैटिंग की राजस्थान रॉयल्स वालों ने। बॉलिंग की बात करूं, स्वप्निल सिंह ने 2 ओवर में 19 runs दिए, मोहम्मद सिराज 4 ओवर में 33 runs 2 wickets। अब ये स्टैट देख के आपको लग रहा होगा सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, बट डेफिनेटली यार सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको और ज्यादा स्टेप अप करना चाहिए था, जो सिराज भैया ने बिल्कुल भी नहीं किया। लीडर है यार ये बंदा अपनी बॉलिंग लाइनअप का, तो डेफिनेटली यार एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, नहीं ले पाया। यश दयाल ने 3 ओवर में 37 दिए, लोगी फर्ग्यूसन ने 4 ओवर में 37 दिए, करण शर्मा 2 ओवर में 19, कैमरून ग्रीन 4 ओवर में 28। तो भाई मतलब यार बहुत ही ज्यादा नॉर्मल बॉलिंग रही, लेकिन यहां पर को रियल रीजन क्या है भाई, तुम्हें क्या लगता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर क्यों आ रही? क्या इनकी बैटिंग की वजह से आ रही, क्या इनकी फील्डिंग की वजह से आ रही, क्या इनकी बॉलिंग की वजह से आ रही? मेरे ख्याल से मिला जुला एफर्ट है, बताए क्योंकि यार ऐसे डू और डाई मैच में किसी एक सेक्शन को क्रिटिसाइज करना ये सही नहीं है। सबसे पहले आरसीबी की जो बैटिंग है बहुत ज्यादा बेकार हुई, जिन लोगों ने मतलब यार 200 नहीं बनाए, ठीक है, पहली चीज तो इन लोगों का यहां पर को हो गया था। उसके बाद फिर फील्डिंग की बात करते हैं, कितने ज्यादा कैचेस ड्रॉप किए, अगर पकड़ लिए होते क्या पता मतलब यार इनके पास भी चांस होता। फील्डिंग बहुत ज्यादा बेकार रही, बॉलिंग भाई 174 मतलब एक टाइम पे को लग तो रहा था ना कि यार क्या पता जीत सकती है करके, भाई उसके बाद इन लोगों ने जिस तरह से रन्स लीक किए डेफिनेटली बॉलिंग ने भी यार बहुत बड़ा लेट डाउन दिया सही में। तो मैं कहना चाहूंगा राजस्थान रॉयल्स वालों भाई वेल प्लेड यार सही में, बहुत अच्छा खेला इन लोगों ने, डेफिनेटली इनकी तारीफ होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आपका जो मुकाबला है, आई होप यार आप लोग वहां पर को अच्छा करो। बट आज का रिव्यू बस इतना ही है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अब तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर को जाके ज्वाइन कर सकते हो। मीम देता हूं, अपडेट देता हूं, बहुत सारा डिस्कशन हम लोग करते हैं, तो जाओ भाई अभी ज्वाइन करो मेरे भाई।